रीवा के रेलवे स्टेशन के पास कृषि बिल के विरोध में रेल रोकने के प्रयास में पटरी पर बैठे किसानों को रेल रोकने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था, जिसे लेकर पुलिस पहले से ही सक्रिय थी और ट्रेन रोकने से पहले ही किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का असर अब सभी जगह देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं लिए जाएंगे यह आंदोलन चलता रहेगा। वापस नहीं होंगे, हम लोगों के संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर रेल रोको का कार्यक्रम किया गया है। हम लोग रेल रोकने आए थे, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार किया है। अब ये पुलिस को तय करना है, लेकिन किसान आंदोलन करते रहेंगे जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे। किसान आंदोलन द्वारा जो है यहाँ पर रेल रोक आंदोलन की जगह पर यहाँ पर हाईवे के नीचे जो पुलिया है वहाँ पर रोका गया है। इसको हम लोग तत्काल जो है उसको गिरफ्तार करके हटा दिया है और कोई अभी वहाँ पर कोई आंदोलनकारी नहीं है, हमने तो सबको गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर स्टेशन पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। जीआरपी थाना प्रभारी ने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था, जिसे देखते हुए जबलपुर के मुख्य स्टेशन के साथ आसपास के रेलवे स्टेशनों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यदि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होती है या कोशिश की जाती है तो उसके लिए पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन के चलते जो आज रेल रोको का आह्वान किया है, इसके मद्देनज़र जबलपुर और आसपास के रेलवे स्टेशन में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। और इस सुरक्षा व्यवस्था लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ट्रेन है अपने सही समय पर निर्बाध रूप से चले, यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। जीआरपी और आरपीएफ का बल, इनके साथ ही जिला पुलिस बल का भी काफ़ी फोर्स वहाँ पर तैनात है। रेलवे स्टेशन के अंदर जीआरपी और आरपीएफ का बल है। अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी हमारे पास है और पूरी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गुरुवार को रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन के तहत प्रदर्शन करने पहुंचे। किसानों द्वारा प्लेटफॉर्म पर जाने का प्रयास किया गया, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ जवान सामने उनकी एक ना चली। एसडीएम ने बताया कि आंदोलनकारियों द्वारा स्टेशन पर पहले से ही सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद स्टेशन पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया। वहीं आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि जिस तरह से रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है उससे केवल उद्योगपतियों को ही फायदा पहुँचाया जा रहा है, यात्रियों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये आज अखिल भारतीय लेवल पर रेल रोको अभियान रखा गया था, क्योंकि ये पूरे देश भर में आज आह्वान किया गया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज ट्रेनों को रोका जा रहा है। और ये ट्रेनें कोई मुसाफिरों की सुविधा असुविधा का सवाल नहीं है। आप देखिए किस तरीके से सरकार जो बजट लेकर आई उसमें रेलवे को बेचा जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों के हवाले करा जा रहा है। आप बताइए प्राइवेट मंडी कौन चलाएगा? आप चलाएंगे, मैं चलाऊंगा, देश का किसान चलाएगा, उद्योगपति घराने चलाएंगे। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खेती भी उद्योगपति करेंगे और भंडारण भी उद्योगपति करेंगे। आज हम लोग यहां पर प्रदर्शन करने आए तो आप देखिए किस तरीके से हमको रोका जा रहा है। आज ये प्लेटफॉर्म किसका है? ये हमारा है। आम जनता ने टैक्स देकर ये खड़े किए गए हैं। हम प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते यहां पर? हम कर सकते हैं प्रदर्शन, लेकिन सरकार दमन कर रही है। इन लोगों ने रेल रोको आंदोलन की घोषणा, जैसा बता रहे हैं कि दिल्ली से इनका आह्वान था, लेकिन इन लोगों से यहां के नेताओं से बात की गई और इन लोगों ने सहमति दिखाई कि हम स्टेशन के बाहर ही प्रदर्शन करेंगे। तो उसके लिए प्रशासन ने भी सहमति दी और उनके द्वारा यह स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया गया। हाँ, इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने हमसे अनुमति ली थी। हमने मौखिक रूप से अनुमति प्रदान की थी कि अगर उसके स्टेशन के बाहर वो कर रहे हैं तो अपन उसके लिए अनुमति प्रदान कर सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध के तहत रेल रोको आंदोलन का असर इंदौर के राव रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। वहाँ अखिल भारतीय मध्य प्रदेश किसान सभा के किसानों ने महिलाओं के साथ मिलकर रैली के रूप में राव
रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, वहीं आरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस ने पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था, जिससे धरना प्रदर्शन करने आए किसानों को राऊ रेलवे स्टेशन के बाहर ही रोक दिया गया। वहीं रोके जाने के बाद किसान रेलवे ट्रैक तक नहीं पहुंच सके। साथ ही रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल को एहतियात के तौर पर तैनात किया गया था। ये आंदोलन पिछले जो अभी 3 महीने से चल रहा है, और खासकर पिछले 6 महीनों से जो किसानों का आंदोलन है, और ये जो बिल आए हैं किसानों के ऊपर, 3 कृषि बिल आए हैं, 1 बिजली संशोधन बिल आया है, ये किसी भी सूरत में देश के भले के लिए नहीं है और ना ही किसानों के लिए है। इसको सबसे पहले पंजाब के, हरियाणा के किसानों ने समझा है, और इसीलिए आज उनको मालूम है कि ये किसान बिल जो है ये हमको हमारी खेती से गुलाम बना देगा। और ये केवल किसानों के लिए नहीं है, ये मजदूर, किसान, आदिवासी और जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी है, क्योंकि आज जो आटा 15 रुपए किलो बिक रहा है और वही आटा 35 रुपए किलो पंचगनी बाबा रामदेव जी बेच रहे हैं, और इनके आने के बाद तो वो 50 रुपए और 60 रुपए बिकेगा। भोपाल के कमिश्नर कविंद्र कियावत सीहोर जिले की आस्टा और जावर तहसील के विभिन्न राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण करने पहुंचे, के साथ जिला कलेक्टर अजय गुप्ता भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान काफी अनियमितताएं सामने आईं, जिसे लेकर कमिश्नर कविंद्र कियावत ने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वही मीडिया से चर्चा के दौरान कमिश्नर कविंद्र कियावत ने कहा कि राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण किया गया है, लंबित प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जावर सीएमओ का स्थानांतर हो चुका था, और वो स्थानांतर के पश्चात बिना प्रशासक की संज्ञान में लाए हुए उन्होंने अपना अवकाश का आवेदन पत्र वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर अवकाश स्वीकृत कराते अवकाश पर प्रस्थान हो गए, जो उचित नहीं था। और वैसे भी उस भ्रमण के दौरान उनके द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में लोगों में इस विषय को लेकर के गंभीर आक्रोश था। इस विषय को ध्यान में रखते हुए उनके शासन के द्वारा जारी स्थानांतर आदेश के अनुरूप उन्हें स्थानांतरित पदस्थापना के लिए भारमुक्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस ने 13 फरवरी को हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को 5 दिनों में सुलझा दिया है। रात के समय मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया, वहीं मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी देवर और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 13 तारीख को बिस्टान थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक खेत में एक डेड बॉडी पड़े होने की जानकारी मिली थी। जब पुलिस ने मौके पर गई और वहाँ छानबीन की, तो जो डेड बॉडी थी वो मृतक सुखराम के तौर पे आइडेंटिफाई हुई, सुखराम मानकर। मृतक जो था इसकी पत्नी के इसी के भाई से, देवर जो था उससे संबंध थे, और इन्हीं अवैध संबंधों के चलते इसने, मृतिका ने अपने देवर के साथ मिलकर और देवर का जो एक दोस्त था, इन तीनों ने मिलकर इसको निपटाने का प्लान बनाया, मारपीट करते हुए गमछा दबा के इसको किया, और तीसरे आदमी ने वहाँ पे इसका ध्यान रखा कि कोई व्यक्ति जो है वहाँ ना आ जाए। तो ये तीनों ने मिलकर इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पूरी कार्रवाई करते हुए इसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जा रहा है। सीहोर की रेटी पुलिस ने नहलाई आश्रम में अज्ञात चोरों ने गिरमिट लगाकर दिया था, जिसकी रिपोर्ट रेडी थाना पुलिस ने दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों से माल की बरामदगी भी कर ली है। पकड़ाए 6 आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ जारी है। अज्ञात चोरों द्वारा नेला आश्रम में चोरी की गई थी, नकबजनी की गई थी, गिरफ्त लगा के। रतनपुर के 2 आरोपी हैं भाई, उन्होंने जो चोरी करते हैं उनको बुलवा के वहाँ पे गिरफ्त में लगा के चोरी करवाई थी, और उनके हिस्से में जो पैसा आया था कुल मिला के 2,60,000 रुपये और 3 मोटरसाइकिलें साथ में जब्त की गई हैं। सतना जिले में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। पूरा मामला मरपाटन कस्बे के सेमरा गांव का है। वहीं बाद आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है, इसीलिए परिजन बिजली विभाग पर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही एसपी धर्मवीर सिंह, एसडीओपी हिमाली सोनी समेत तहसीलदार ईश्वर प्रधान मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों को कार्रवाई और मुआवजे का आश्वासन दिया है। करंट में फंस के मर गई हैं, जिनका करंट था उनके ऊपर हमने FIR किया, पुलिस अभी तक उनको नहीं पकड़ पाई है।
आश्वासन देती है कि बाद में हम कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं अभी कार्रवाई हो और ऊपर के अधिकारी आके मामले की जांच करें, हमको न्याय मिले, है ना। करंट जो हमारे खेत में ऊपर खेत था शिव कुमार पटेल सनाफ श्री राम साहब पटेल जी का, वो कटिया तार से अपने फाउंडेशन करवाए हैं, तो अगर नहीं आएंगे तो यही हम दो बच्चों को और स्वयं पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लेंगे, कहानी समाप्त। हमारे पास कुछ रास्ता नहीं बचा, हम गरीब आदमी, हमारे रहने के लिए मकान भी नहीं है। बिजली के करंट लगने से महिला की मृत्यु का मामला है, इसमें पुलिस ने संज्ञान लिया है, इसमें मर्ग कायम करके हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। एमपीवी के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, वो पूरा एग्जामिन करके एमपीवी की टीम रिपोर्ट करेगी और उस रिपोर्ट के बाद जो भी एविडेंस आएगा जिसकी लापरवाही से घटना घटित हुई है निश्चित रूप से उसके अंगे से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अपने परिवार को आश्वासन दिया है कि जो भी शासन की योजनाएँ हैं उनका लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे और इस घटना के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल है उस पर कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने बंधक बनाए गए 43 मजदूरों को आजाद करवाया है। पिपरी गांव में 43 मजदूरों को एक महीने से बंधक बनाकर रखा गया था। इन मजदूरों से काम तो कराया जा रहा था लेकिन मजदूरी नहीं दी जाती थी। इतना ही नहीं, पिछले 4 दिन से मजदूरों को भोजन तक नहीं मिल रहा था। वही इस मामले की सूचना मिलते ही बक्सवाहा थाना प्रभारी सहित 2 आरक्षकों की टीम ने मजदूरों को आजाद करवाया। थाना बक्सवाहा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ मजदूरों को वहाँ पे बंधक बनाया गया है और उनको खाने का और उनका जो डेली वेज होता है वो नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए उस शिकायत पे यहाँ से टीम बना के भेजी गई थी जिसने इसकी जांच की। सभी जो मजदूर हैं वो वहाँ पे परभनी जिला था, वहाँ पे एक जगह पे काम कर रहे थे। उन सभी मजदूरों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है और आज शाम तक वो लोग यहाँ वापस आ जाएंगे।